नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। दोस्तों यहाँ पे JNK SSC GD की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकल के सामने आ चुकी है। JNK के लिए भी है और अगर आप बाकी राज्य से हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, SSC GD की जो रिक्रूटमेंट है हर साल आती है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों कराई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। जैसा कि मैं पहले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि SSC GD की रिक्रूटमेंट आएगी, तो फाइनली आपके ऑनलाइन फॉर्म लगना शुरू हो चुका है। पूरा क्राइटेरिया आपको बताएंगे दोस्तों। हर JNK में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है JNK की, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बस आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होनी चाहिए, सिर्फ 10th पास। आपके पास कोई डिप्लोमा हो या ना हो, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। बस आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों, कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर जो है काफ़ी पोस्टें आती हैं, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे, हाइट क्या चाहिए, रनिंग कैसी होगी, कितनी जो है यहाँ पे एज आपकी रहेगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। वैकेंसी तब भी मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि वैकेंसी जैसा कि आप सभी को पता है किसी के पास कोई डाटा नहीं होता, इसलिए मैं वैकेंसी तब भी नहीं बताई थी कि कितनी वैकेंसी आएगी। फाइनली 26 यहाँ पे 24,000 के लगभग जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। चलिए नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि SSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑनलाइन 23 अक्टूबर 23, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक लगेंगे, यानी कि आज से ही, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 अक्टूबर को, आज से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 यहाँ पे नवंबर तक आपके फॉर्म लगेंगे। लगभग आपको एक महीने से ज़्यादा समय दिया गया है, एक महीना आपके पास है फॉर्म लगाने के लिए। और लास्ट डेट यहाँ पे आपको मैंने बता ही दी है, ये आप जनरल वालों की यहाँ पे फ़ीस लगती है, बाकी सभी फ्री हैं। मतलब फ्री में आप फॉर्म लगा पाओगे, बस जनरल की 100 रुपया जो है फ़ीस यहाँ पे लगेगी। और आपका रिटर्न एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने यहाँ पे अनाउंस की है, लगभग जनवरी के महीने में आपके जो सभी राज्यों के जो रिटर्न एग्ज़ाम के वो है वो शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्या है ये और एज क्या चाहिए। एज को लेकर काफ़ी सारे बंदों के जो है मैसेजेस देखने को मिलते हैं। वैकेंसी की बात की जाए, मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे जो लड़के हैं, मेल की वैकेंसी है 21,500, यहाँ पे देख सकते हैं कि 69 यहाँ पे वैकेंसी है। मतलब ये आपकी 21,600 के लगभग आपकी वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं BSF की पोस्टें हैं, CSF की पोस्टें हैं, CRPF की पोस्ट है, SSB की पोस्टें हैं, ITBP की पोस्ट है, और AR की असम राइफ़ल की पोस्ट है, और SSF की पोस्टें हैं। और फीमेल की बात की जाए, ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पे 2600 है, मतलब 2626 2626 आपकी वैकेंसी है। और बॉयज़ की ज़्यादा है, 21,500 मतलब 600 के करीब। और दोस्तों यहाँ पे टोटल की बात की जाए, तो ग्रैंड टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,300, यहाँ पे 70 वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिल रही है लगभग अप्रॉक्स। और चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी कोई भी सिटीज़न हो तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। और एज लिमिट की बात की जाए, जनरल वालों का क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जनरल वालों को 18 से लेके 23 साल के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि कोविड के चलते आपको 3 साल की जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से लेकर 1 जनवरी, यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2005 तक आती है, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका क्राइटेरिया, यहाँ से लेकर आप यहाँ के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिलोंग करती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी दोस्तों जो आपकी SC ST कैटेगरी है उनके लिए तो आपको पता ही है 28 साल एज रहती है, और OBC के लिए यहाँ पे 26 साल तक रहती है। ये आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो बाकी SSC जो SC कैटेगरी वाइज है, जिनकी कैटेगरी है, उनको तो कोई टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ और चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर। रिटर्न एग्ज़ाम इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। यहाँ पे पहले आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता था वो आपका 90 मिनट का होता था। जी दोस्तों, 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता था, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन थे। लेकिन दोस्तों ये क्राइटेरिया अब जो है चेंज कर दिया गया है दोस्तों। अब आपके 20 नंबर, मतलब टोटल आपके 80 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, 80 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। और जो एक एक क्वेश्चन है उसका जो वेटेज रहेगा वो आपका 2 मार्क्स रहेगा, यानी कि 80 × 2 करोगे तो 160 नंबर का आपका टोटल यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा विद
आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो आपकी रहेगी 0.25 की। एक बार मैं यहाँ पे रीचेक आपको करके बता देता हूँ। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार आपकी इन्होंने क्राइटेरिया 160 का किया है, लेकिन अब दोस्तों आधा मार्क्स आपका कटेगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत लगाते हो। पहले आपका क्या था कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटता था, लेकिन दोस्तों इस बार अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 60 मिनट एक ही घंटा आपको दिया जाएगा और आपको 80 जो क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। एक घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और मेरिट तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि इसका कितना जाएगा। लगभग जैसे 100 में से लगभग 40 तक मेरिट जाता है, तो 160 का आप 40% यहाँ पे निकाल के देख लीजिए। कम से कम आपको 50 से 60 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। 60 मार्क्स आपको दोस्तों ज़रूर लेने पड़ेंगे, क्योंकि 60 या 70 मार्क्स के बीच में ही लगभग मेरिट यहाँ पर जाने वाला है। जो भी कैंडिडेट 70 मार्क्स ले जाएंगे उनका जहाँ पे नाम जो है पक्का हो जाएगा, इतना ही मेरिट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर बार इतना ही देखने को मिलता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसके जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है JNK SSC GD सिलेबस, तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ये मैंने पहले ही कर दिया था। और इसका पहले इसका एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी जो है फिज़िकल इंड्योरेंस आपका टेस्ट रहेगा, जो कि लड़कों की बात की जाए तो 5 किलोमीटर आपकी रनिंग रहेगी 24 मिनट में, फीमेल्स की बात की जाए तो 1600 मीटर आपकी रहेगी 8.5 मिनट में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लद्दाख वालों के लिए अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है, उनकी 1600 मीटर रहेगी यहाँ पे 6.5 मिनट में, 800 मिनट रहेगी यहाँ पे 4 मीटर में, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो इसलिए ये सब क्राइटेरिया है। बाकी दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।